मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि परीलोक में कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे एक बार परीलोक जाकर देखना चाहिए और माँ से मिलना चाहिए। बालवीर, बालवीर, मुझे बचाओ। अच्छी मुसीबत में सबसे पहले मैं बच्चों के पास जाती फिर परीलोक चला जाऊंगा। डूबा डूबा एक हर वक्त बस ऐसी ही बेवकूफियां करते रहते हो तुम। आराम करने के अलावा और हीम क्रीम खाने के अलावा और कुछ कार्य नहीं सूझता तुम्हें। लेकिन बाल परे, हमारे बात मत काटिए वरना डूबा डूबाओं के प्रधान के पद से हटाकर किसी और को प्रधान बना देंगे। अगर दोबारा तुमसे ऐसा हुआ या फिर कोई भी गलती हुई तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, समझे? हमें माफ कर देना डूबा डूबा एक। हाँ डूबा डूबा एक, गलती हमारी थी पर दंड आपको मिल गया। पर रणखट परी, अपनों पे गुस्सा करना किसी अच्छे परी के गुण है ही नहीं। हाँ गुस्सा करना तो बुरी परियों के अवगुण होते, तो ये अवगुण बाल परी में कैसे आए? अरे यार ये मैं ऐसे कैसे बन गया? यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। पता नहीं ये अखिलेश भैया भी कहाँ रह जाते हैं, हमेशा गाड़ी लेके घूमते रहते हैं। अखिलेश भैया, ड्राइवर भैया, अखिलेश भाई। तुम कौन हो? मैं टेंथ परी हूँ, वैसे तुम लोग मुझे तूत परी के नाम से जानते हो। और मैं हूँ दंतगुप्त, दंत परी का सहायक। चुप है, क्या मजाक कर रहे हो? ये दंत परी वंत परी कुछ नहीं होता है। अच्छा खुद को देखकर भी तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ पता नहीं बट मैं ये परी कैसे बन गया हूँ, देखो पंख भी आ गए। हाँ, मैंने तुम्हें सहायक दंत परी बनाकर ये रूप दिया है। क्या तुमने मेरे साथ ऐसे किया? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। चलो मुझे फिर से पुराना वाला मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बना दो, वरना ना क्या? वरना क्या? वरना क्या? वरना वरना मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगा। तो सॉरी अब तो बुरा मान गए, मैं तो आपको प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे पुराने वाला मोंटू बना दो प्लीज, मैं सिर्फ परी बन के नहीं घूम सकता, किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का फालतू हो जाएगा। चलो तुमने ये तो माना कि दंत परी होती है। हाँ हाँ मैं ये मानता हूँ कि दंत परी होती है और मैं वैसा ही करूँगा जैसा ये कहेंगे, आप बस मुझे ठीक कर दो। अगर तुम्हें फिर से पहले जैसे बने तो जैसे तुम्हें विश्वास हुआ ना कि दंत परी होती है, वैसे तुम्हें मानव को विश्वास कराना होगा कि दंत परी होती है यानी टूथ फेरी। ये काम तो मैं दो मिनट में कर दूंगा, वो पिद्दी मेरी बात नहीं टाल सकता। डरा कर नहीं, प्यार से विश्वास दिलाने ताकि वो सच्चे दिल से माने कि टूथ फेरी होती है। ओके बस इतना ही ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। और भी कुछ है? वैसे दंत परी क्यों ना मानव का दांत लाने की जिम्मेदारी हम इस पे सौंप दे ताकि हमारी सूची में से मानव का नाम कट जाए और हम दूसरे बच्चों के पास पहुंच जाए। हाँ ये अच्छा रहेगा, लेकिन मोंटू तुम्हें ये काम सिर्फ दो ही दिन में करना होगा वरना वो नाम हमारी सूची में वापस आ जाएगा। अच्छा है ना, फिर तो मैं बच जाऊँ। नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने दो दिन में मानव का दांत हमें लाकर नहीं दिया तो तुम्हें 6 महीने के लिए सहायक दंत परी बनकर रहना होगा और 100 दांत भी हमारे पास लाने होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं मानव का दांत लाऊंगा, दो दिन में लाऊंगा, बट प्लीज अब मुझे पहले जैसा मोंटू बना दो। ठीक है, पर जब भी तुम मानव का दांत लेने जाओगे तब तुम्हें सहायक दंत परी बनकर ही जाना होगा। ठ
ठीक है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? हमें तो आश्चर्य इस बात का है, जो परी पूरे परीलोक में प्यार बांटती है वो किसी पे नाराज भी हो सकती है, और वो भी डूबा डूबा एक पर। सच कहूं रानी परी, तो इसमें गलती हमारी भी, हमने ही डूबा डूबा एक के साथ मजाक किया था। हाँ रानी परी, इसमें गलती हमारी थी, बाल परी की नहीं। नहीं नहीं, हम मानते हैं कि गलती हमारी ही थी, हमें डूबा डूबा को डांटना नहीं चाहिए था। हमें ऐसा लगता है कि शायद बाल परी किसी और वजह से परेशान होगी और उसका गुस्सा डूबा डूबा एक पे निकल गया होगा। हाँ ऐसे ही हो सकता रानी परी, क्योंकि कुछ समय पहले बाल परी काफी परेशान लग रही थी। विस्तार परी, हम परेशान थे पर अब हम ठीक है। रानी परी, है ये परिवार के फूलों के कुछ पौधे जो खिल नहीं रहे, इसलिए इनकी जगह है क्या लगा सकते हम नए पौधे? हाँ डूबा डूबा एक, जरूर लगा सकते हैं। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। चलो रुको डूबा डूबा। रानी परी, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन पौधों को बदलने की बजाय मैं इनमें नई जान डाल सकती हूँ, इन्हें फिर से खिला सकती हूँ। हाँ नटखट परी, अगर आप ऐसा कर सकती है तो जरूर कीजिए, हमें खुशी होगी। डूबा डूबा, इन पौधों को यहाँ आगे रख दो। चलो डूबा डूबा भाइयों, चलो। आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। हाँ नटखटपरी, एक सूखे हुए पौधे में आपने जान डाल दी। हाँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? शुक्रिया। हाँ नटखटपरी, आपका आविष्कार तो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना आप अपना ये आविष्कार बुझे हुए चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए भी करें? ये आपने बिल्कुल सही कहा नाराज परी। हाँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो हमारे जादू से इन फूलों का रंग भी बदल सकते हैं और इसे विशाल भी बना सकते हैं। नहीं होते, पहले नहीं होता होगा पर अब होगा, क्योंकि हमें काला रंग ही पसंद है। आप सब परियां चुप क्यों है? बाल परी, हमने भी तो कमाल का जादू किया ना, तो आप सब अब हमारी भी तारीफ कीजिए। नहीं बाल परी, आपको कोई तारीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने आज जो किया है उसे ईर्ष्या कहते हैं। हम जानते हैं कि आपने जानबूझकर अपनी शक्तियों की तुलना नटखट परी की शक्तियों से की। आप जानती हैं बाल परी, ऐसे गुण अच्छी परी के नहीं होते। ईर्ष्या रानी परी, पता नहीं ये सब हमसे कैसे हो गया। सच रानी परी, हम नहीं जानते कि हमें क्या हो गया है।
रानी परी, आखिर बाल परी को हो क्या गया है? पहले ईर्ष्या, फिर गुस्सा, ये बाल परी को क्या हो रहा है? बाल परी मेरे नियंत्रण में है और धीरे धीरे बुरी परी बनती जा रही है। इस बार मेरे वार का मुकाबला नहीं कर पाएगा बालवीर। तुम देखना तौबा तौबा, इस बार मैं बालवीर और सारी परियों को दुख के समुंदर में डुबो दूंगी। इस बार अपनी जीत के साथ साथ अपनी हर हार का इतिहास भी बदल दूंगी मैं। अरे वो चाहता मैं भी यही, इसलिए है मेरी सलाह आपसे कि यू ऐसे खड़े खड़े खुश मत होते रहिए। पता चला आप यहाँ खड़े खड़े खुश हो रही है और वहाँ परी और बालवीर ने कर दिया आपका काम तमाम। ठीक है, मैं खुद जाऊंगी बाल परी से मिलने और देखती हूँ कि उस पर असत्य जल का क्या असर हो रहा है। हाँ जाइए, तब तक खा लेता हूँ मैं कुछ और कर लेता हूँ थोड़ा आराम। मतलब करता हूँ मैं यहाँ की रखवाली। जाइए आप। बया बस्तु दोबा दोबा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ जो हो रहा है वो सपना है या सच। कहाँ चला गया ये गेंडा? वो देख वो रहा गेंडा। चल चल। अरे क्या बॉस, आपको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मुझे अभी पता कैसे चलेगा कि मैं इस समय जाग रहा हूँ या नींद में सपने देख रहा हूँ? देखा बस देखा, अब पता चल गया ना कि आप जाग रहे हो। इसका मतलब मैं सपना ही नहीं देख रहा, मैं सचमुच में एक सहायक दल पर ही हूँ। क्या हुआ बस, आप अपने आप से बात क्यों कर रहे हो? हाँ तो और कौन है कि बस से बात करना चाहता है? मतलब केवल किसकी हिम्मत कि बॉस से बात करे? किसकी नहीं? हाँ सही कहा इसने, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे मानव को विश्वास दिलाने कि टूथ फेरी होती है। क्या बस अभी ये मान दो कि टूथ फेरी होती है? मैं नहीं मानता टूथ फेरी जैसी चीज होती है, पर मानो को विश्वास दिलाने में क्या अर्ज है? तो बॉस इसके साथ साथ मानो को ये विश्वास भी दिला देना कि आज से पिंटी वो नहीं आप हो। हाँ और ये भी कि आज से आपकी स्कूल में नहीं बल्कि उस पिंटी मानो का राज चलेगा और आज से हमारे हाथ से मार वो नहीं आप खाओगे। हाँ चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहिए कि टूथ फेरी जैसा कुछ नहीं होता। हाँ टूथ फेरी नहीं होती है, नहीं होती है मतलब नहीं होती है। हसो मत, अब मैं भी एक सहायक दंत परी हूँ। सहायक दंत परी? मजाक बहुत अच्छा करते हो बॉस। दंत परी, दंत परी। देखो तुम्हारी वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते, अब मैं काम नहीं करूंगा। देखो मोंटू, जो सजा तुम्हें मिली है वो तुम्हें पूरी करनी होगी। हम तुम्हें कुछ ऐसी जादू शक्ति देंगे जो तुम्हारी मदद करेगी। अच्छा hmm.
शक्तियाँ दी है जिसकी मदद से तुम किसी को मूर्ति बना सकते हो, किसी को सुला सकते हो और किसी की याददाश्त भुला सकते हो। अरे वाह, इससे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। तो हम चलते हैं? हाँ। बुलाने वाले सितारे आ जाए, ये दोनों भूल जाए कि उन्होंने मुझे ऐसे रूप में देखा था। हम लोग हंस क्यों रहे? पता नहीं यार, लगता मैं सपना देखा। रोहित केवल चलो मेरे साथ। कम ऑन मानव, अब तो हंस, कब से उदास बैठा है। ठीक है, बैठने में प्रॉब्लम है ना, ले खड़े होकर उदास कर लेता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। तू रहने दे सलोनी, तेरे कहने पे मैंने विश्वास किया था कि तू खड़ी होती है। तो मेरे कहने पे दोबारा मान ले कि टूथ फेरी होती है। मोंटू, तू यहाँ पे मेरा दांत तोड़ने आया है ना? नहीं नहीं, मैं तेरा दांत लेने आया हूँ। मतलब टूथ फेरी आएगी तेरा दांत लेने को। वाह, अब तक तो कह रहा था कि टूथ फेरी नहीं होती है। हाँ, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि दंत परी होती है, मतलब टूथ फेरी होती है। ये सब तुझसे किसने कहा? क्योंकि मुझे दंत परी ने, मतलब मुझे टूथ फेरी ने खुद आके बताया। झूठ, टूथ फेरी किसी से नहीं मिलती है। हाँ मिली है। अच्छा, तो वो तुझसे क्यों मिली? वो क्योंकि वो सबसे स्पेशल है ना। हाँ, मॉन्टू बॉस वर्ल्ड के सबसे बड़े बेवकूफ है। हाँ, और वो तो दिन में भी खड़े खड़े सपने देख सकती। ये सब तू जानबूझकर कर रहा है ना मोंटू, इसके बाद तू मेरा दांत तोड़ेगा है ना? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मैं तेरा दांत नहीं तोड़ूंगा। और वो तेरी कसम? अरे वो तो बस कब का हजम कर गए। तू ये सब क्यों कर रहा है मोंटू? तेरा कोई प्लान है ना? अरे तेरे को समझ में नहीं आता, तुझे बोल रहा हूँ ना तू फेरी होती है, तो मेरी बात मानना। मेरी बात क्यों नहीं मानता? डरा कर नहीं, प्यार से विश्वास दिलाने, ताकि वो सच्चे दिल से माने कि तू फेरी होती है। मानव, मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्लीज तू मेरी बात मान ले। ले ले, ले चीज तो चॉकलेट ले ले, पर मेरी बात मान जाना प्लीज। ठीक है, मैं चॉकलेट ले लेता हूँ, लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता कि टूथ फेरी होती है। मैं भी स्टूपिड हूँ, इडियट हूँ, बेवकूफ हो, और यह हमें पता है, पर आपको हमें विश्वास दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। रूड मानव, आज तू जब पार्क में खेलने आएगा ना, तब तुझे पता चल जाएगा कि मैं बदल गया हूँ। और हाँ, तुझे ये विश्वास भी हो जाएगा कि टूथ फेरी होती है। अच्छा है कि तू बदल गया है, लेकिन अब मेरी सोच भी बदल गई है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि टूथ फेरी होती है। और इसीलिए आज शाम को मैं पार्क में खेलने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ दांत के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। दांत के डॉक्टर के पास जा रहे हो? जाओ जाओ अभी जाओ, दादाजी के साथ जा रहे हो ना, जाओ जाओ अभी जाओ। लेकिन मेरे को शाम को जाना है। अभी चले जाओ। अब जैसे ही मानव अपना दांत निकलवाएगा, मैं उसे ले लूंगा और दंत परी को दे दूंगा। और उन्हें कैसे पता चलेगा कि मानव विश्वास करता है या नहीं? थैंक गॉड, आज ही ये सब टेंशन खत्म हो जाएगा।